हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज क्या अब टाइम टेबल चेंज होगा। अब ये मेरे व्यूअर्स ने पहले से ही इसको जानने की एक्साइटमेंट दिखा दी थी, क्योंकि यहाँ पे 19th को जब यहाँ पे ACPC का नया वाला टाइम टेबल अपडेट होकर रिलीज हुआ था, उससे एक दिन जस्ट पहले मैंने शाम को यानी कि 18th मई की इवनिंग को यहाँ पे एक वीडियो डाला था कि ACPC का टाइम टेबल चेंज हो सकता है। तो इसीलिए व्यूअर्स ने यहाँ पे फिर से अब ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है कि सर अब फिर से बता दीजिए कि क्या अब टाइम टेबल चेंज होने के चांसेस है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मैं ना ही तो ACPC में वर्क कर रहा हूँ और ना ही तो ACPC के मेरे पास खुफिया सोर्सेस है, ठीक है। तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, बट यहाँ पे अब इस बार मोस्टली फ्लेवर कौन सी साइड जा रहा है, इस बार मोस्टली फ्लेवर जा रहा है नो की साइड। मतलब इस बार मोस्टली अब यहाँ पे आपका टाइम टेबल चेंज होने की प्रोबेबिलिटी संभावना नहीं वत के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ACPC ने ऑलरेडी एक बार टाइम टेबल चेंज कर दिया है। दूसरी बात कि हाँ, अगर टाइम टेबल चेंज होगा और होता, बट कब, कि अगर यहाँ पे कोई भी बोर्ड का रिजल्ट आने में, JEE का रिजल्ट आने में डीले हो जाता हो तो। बट इसके सामने यहाँ पे आपके बोर्ड के रिजल्ट भी आ गए, JEE के रिजल्ट भी आ गए, ICSE, CBSE की भी रिजल्ट आ गए, तो ACPC की जितने भी डिपेंडेंसीज थी ना, वो मोस्टली यहाँ पे कवर हो चुकी थी। अब पॉइंट नंबर टू की हाँ, अब फिर से यहाँ पे टाइम टेबल चेंज होने की संभावना किसमें है, कि अगर यहाँ पे ACPC क्या करता है कि हर साल यहाँ पे एक यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकालता है कि इस साल ACPC में इंजीनियरिंग में मान लीजिए कि X 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो ACPC ने जो भी यहाँ पे अंदाजा लगाया होता है उससे बहुत कम स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आता है, तो ACPC फिर से यहाँ पे 3-4 दिन का टाइम का एक्सटेंशन कर देता है कि हाँ कोई स्टूडेंट्स का अभी भी छूट गया हो तो फिर वो यहाँ पे फिर से अब नया वाला टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 3-4 दिनों की एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम दे देता है। तो उसके अंदर नए वाले स्टूडेंट्स, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो ये कब होता है कि जब ACPC ने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किए थे उतना क्राउड नहीं आता है, उतना एक्सपेक्टेशन का फुटफुल नहीं होता है, तब यहाँ पे ACPC यहाँ पे ये जो डेडलाइन है फिर से 3-4 दिनों के लिए बढ़ा देता है। दूसरी बात कि अगर अब यहाँ पे ACPC मान लीजिए कि टाइम टेबल में कुछ भी चेंजेस करता है, तो क्या फिर से 8-10 दिनों जितना एक्सटेंशन देगा? तो इसका आंसर है नहीं। अब मान लीजिए कि ACPC रेयर केस में यहाँ पे एडमिशन के टाइम टेबल में चेंज करता है, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या फिर 5 दिन ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको डेज देखने को नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मतलब ज़्यादा आपको बताएंगे कि इससे मतलब वट आई वॉन्ट टू से कि 4-5 दिनों से ज़्यादा टाइम अब एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी यहाँ पे 8 दिनों का एक्सटेंशन दे रखा है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि 2 से लेकर 30 तक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे संभावना नहीं बात है 30th को ही लास्ट डे लेके चलिए, और मैंने तो जिस तरह से बोला कि अब 30 भी नहीं, 29th को ही लास्ट डे कंसिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप जितना एक दिन एडवांस चलोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं दूसरी सारी चीज़ें ये कहना चाहता हूँ कि 30th आपका लास्ट है, और उसके बाद आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, बट अभी से आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग को लेके बैठ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।